हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एलिंगम डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो है हम एलिंगम डायग्राम से निकलने वाले क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे एलिंगम डायग्राम का मैं आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक भी शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एलिंगम डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक की शॉर्ट क्लिप की हेल्प से एलिंगम डायग्राम जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कैसे इजीली किए जा सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एलिंगम डायग्राम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेई और नीट में आता है, तो हमें उससे किस तरीके से टैकल करना है। तो सबसे पहले एलिंगम डायग्राम हम लोग जानते हैं, वैसे ही डेल्टा जी नोट वर्सेज टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया था EJT एलिंगम ने। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है कि इन एलिंगम डायग्राम द एलिमेंट विच इज रिमेन एट द लोअर साइड, कोई भी एलिमेंट जो लोअर साइड पे है, कैन रिड्यूस द अबाउ मेटल ऑक्साइड। ध्यान में रखना, लेकिन ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है बिफोर इंटरसेक्शन। बिफोर इंटरसेक्शन यानी कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एलिमेंट है दैट इज रिमेन एट द लोअर साइड। तो मैंने वहीं लिखा है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो हमारा लोअर साइड पे होगा, तो ये लोअर साइड वाला जो एलिमेंट है यानी कि मैग्नीशियम जो है उससे ऊपर वाले किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3, ये Al2O3 को वो रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कब तक रिड्यूस कर सकता है? बिफोर दिस इंटरसेक्शन A, ये जो इंटरसेक्शन है उससे पहले। मैग्नीशियम का पोजीशन लोअर है तो मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा, किसे रिड्यूस करेगा? Al2O3 को। किसे रिड्यूस करेगा? Al2O3 को ये मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है। लेकिन आफ्टर दिस इंटरसेक्शन, अब ये इंटरसेक्शन के बाद जरा देखो तो इंटरसेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का पोजीशन आफ्टर दिस इंटरसेक्शन, ये ब्लू लाइन देखो, तो एल्यूमिनियम का पोजीशन लोअर हो जाएगा और ये मैग्नीशियम का पोजीशन हायर हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा? नाउ आफ्टर द इंटरसेक्शन एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जरा जानना जरूरी है। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑल्सो रिड्यूस जिंक ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो जिंक ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाया गया हुआ है कि लोअर एलिमेंट्स जो है वो लोअर एलिमेंट अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने इसे डिटेल में भी पढ़ा था। आज सिर्फ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। ओके, ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ये आप लोग एक ऑर्डर प्रिपेयर कर डालोगे, तो जेई और नीट में जो क्वेश्चन देते हैं विदाउट ग्राफ जो देते हैं, तो वो विदाउट ग्राफ यानी कि ग्राफ के बिना भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका है? टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम का, फिर है मैग्नीशियम, फिर एल्शियम एल्यूमिनियम, फिर क्रोमियम, फिर जिंक, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। कैसे याद रखेंगे? तो ये याद रखने के लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, जैसे कि कल मांगे अली कार। ओके, फिर से, कल मांगे अली कार, जिंक यानी कि जान कर फेंकू। ओके, जान कर फेंकू मारा आज। फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इजी वे में आपका बिल्कुल क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी वे में प्रिपेयर हो जाएंगे। कल मांगे अली कार, जानकर फेंकू मारा आज। बराबर है ना बच्चों? तो ये सिर्फ ध्यान रख लेना है हमें, इससे हम लोग इजी वे में बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैग्नीशियम का रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। मैग्नीशियम क्रोमियम ऑक्साइड को भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है, क्रोमियम ऑक्साइड को भी रिड्यूस करता है, जिंक ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है, आयरन ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है। तो ये जो है वो शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग एलिंगम डायग्राम की लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, ये भी एनसीईआरटी में एक से दो बार पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान में रखना। तो फर्स्ट जो है हम लोग लिमिटेशन, तो कौन कौन से लिमिटेशन है एलिंगम डायग्राम की, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई एलिंगम डायग्राम जो है वो हमें ये तो बता देगा कि विच वन इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल, कि भाई मेटल ऑक्साइड का अगर हमें मेटल ऑक्साइड में से मेटल चाहिए तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये तो हमें बता देगा, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, कि कोई भी रिएक्शंस जो है जैसे कि मेटल ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू द मेटल, सो टू कन्वर्ट इट इनटू द मेटल उसके लिए जो टाइम चाहिए, तो वो टाइम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ये एलिंगम डायग्राम प्रोवाइड करेगा नहीं। तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग ये बताएंगे इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द काइनेटिक्स, काइनेटिक्स यानी कि टाइम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वो देता है नहीं। तो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट प्रोवाइड any information about kinetic of chemical reaction, kinetic of chemical reaction it means केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, टाइम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देता है नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस एलिंगम डायग्राम प्लॉट किया गया हुआ है डेल्टा जी नोट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो सबसे पहले ये डेल्टा जी नोट जो है, तो डेल्टा जी नोट यानी कि क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये डेल्टा जी नोट कहां से लेके आते हैं, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के से लेके आते हैं। सो द इंटरप्रिटेशन, हम लोग ऐसा बोलेंगे द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब बच्चों जरा ध्यान में रखना, इन दिस इक्वेशन व्हाट इज के, के हमारा क्या है, तो के इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे हर कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ऐसा सोचते हैं कि बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या सेट होगा, इक्विलिब्रियम सेट होगा, लेकिन ये सही है नहीं, बट दिस इज नॉट ट्रू, यानी कि हर एक में इक्विलिब्रियम सेट होगा नहीं। सो दिस वन इज कंसीडर एज अ लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द काइनेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि टाइम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग यहाँ पे डेल्टा जी नोट लिया गया हुआ है, डेल्टा जी नोट का इंटरप्रिटेशन हमने किससे लिया हुआ है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स हम लोग जानते थे, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज किया गया हुआ है इस इक्वेशन को, बराबर है ना। तो जरा ध्यान में रखना कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन हर एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा ये सही है नहीं। तो एलिंगम डायग्राम से हम लोग बच्चों ये भी जान सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, दैट वी कैन नो फ्रॉम द एलिंगम डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो एप्लीकेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम में फर्स्ट हमने बताया है एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये पूरे का पूरा आयरन जो है, हाउ दिस प्योर आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, ये पूरे का पूरा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जरा देखते हो जाना कि आयरन का कोई भी आयरन का ओर जो है, जैसे कि हिमेटाइट है जिसके अंदर प्रपोर्शन ऑफ आयरन जो है वो ज़्यादा होता है, हिमेटाइट इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू द अदर ओर्स ऑफ आयरन, तो ये हम लोग हिमेटाइट यूज कर रहे हैं, तो हिमेटाइट को क्या करेंगे, सबसे पहले क्रश करेंगे, फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे।
उसके बाद फर्स्ट स्टेप था हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में वी अप्लाई द मेथड, कौन सी मेथड अप्लाई की, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो गैंग के पार्टिकल्स रिमूव हो गए और गैंग के पार्टिकल्स रिमूव होकर हमें क्या मिला, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद हमारा सेकेंड स्टेप था एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हम लोग दो स्टेप थे, तो पहला स्टेप हमारा कैल्सिनेशन था। कैल्सिनेशन किसके लिए था, तो कैल्सिनेशन जो था कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, तो हमें यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल गया। ओके, अब यही कैल्सिनेशन में, कैल्सिनेशन के बाद हमने दूसरा कौन सा स्टेप किया, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या करता है, तो रिडक्शन मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ इम्प्योरिटी बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी हमें अगर प्योर एफ ई लाना है तो हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे प्योरिफिकेशन, और इट इज नोन एज रिफाइनिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन लिया गया हुआ फ्रॉम एलिंगम डायग्राम, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1073 केल्विन टेम्परेचर कोक विल रिड्यूस FeO। तो बच्चों अगर आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसमें आप लोग देखो कि 1073 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कोक यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन का पोजीशन जो है वो क्या होगा, FeO की पोजीशन से नीचे होगा। और जैसे अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझा है वैसे ही अगर किसी भी एलिमेंट का पोजीशन नीचे होगा सो दैट कैन इजीली रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड ऑफ अबव पोजीशन, यानी कि FeO जो है, दिस FeO इज इजीली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, क्योंकि कार्बन का पोजीशन अबाउट 1073 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा, नीचे, तो कार्बन का पोजीशन नीचे होगा। सो कार्बन कैन इजीली रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, तो कार्बन आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा आयरन, एंड कार्बन दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द नेट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो नेट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी क्या मिलता जाएगा, तो आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ है, प्लस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज टू कन्वर्ट कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का एडिशन लगाएंगे तो वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव वैल्यू क्लियरली इंडिकेट करता है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो हम लोगों को ऐसे मालूम चल सकता है कि कोई भी जो है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन नो फ्रॉम एलिंगम डायग्राम एंड देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो जैसे अभी हमने बात की है कि रिडक्शंस ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो हम लोग कैसे है आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर सकते है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस समझेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फर्नेस वी कैन ईजीली रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड इनटू द आयरन। तो हमें आयरन मिलेगा फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, सबसे पहले बॉटम जो है वो बॉटम में से हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ब्लास्ट ऑफ एयर प्लस ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, अलॉन्ग विथ दिस फ्रॉम द टॉप साइड वी इंट्रोड्यूस द ओर प्लस लाइमस्टोन प्लस कोक, यानी कि ओर लाइमस्टोन आयरन का और हिमेटाइट जैसे कि, तो हम लोग यहाँ से ऊपर से इंट्रोड्यूस करेंगे लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन जो है हम लोग अपर साइड से इंट्रोड्यूस करेंगे। नीचे की साइड पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा लाइक 2170 केल्विन टेम्परेचर, एंड एज वी मूव फ्रॉम बॉटम साइड टू द अप साइड टेम्परेचर जो है वो हमारा रिड्यूस होता जाएगा। अब जैसे ही हमने अप साइड से कोक को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सो दिस कोक यानी कि अपर साइड से आने वाला कोक जो है वो नीचे की साइड से आने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हिट इज रिलीज, दिस टाइप ऑफ द हिट दैट
डीकम्पोज द कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये जो हमने लाइमस्टोन ऐड किया हुआ है, लाइमस्टोन यानी कि क्या बच्चों, CaCO3, तो लाइमस्टोन जो ऐड किया गया हुआ है तो वो लाइमस्टोन को डीकम्पोज कर डालेगा। किसमें डीकम्पोज करेगा, तो वो डीकम्पोज करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वो डीकम्पोज कर डालेगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो मिला है दैट रिएक्ट विद द सिलिकेट इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन, यानी कि ये जो ओर लिया हुआ है उसके साथ दूसरी सिलिकेट इम्प्योरिटीज भी होगी, तो ये सिलिकेट इम्प्योरिटीज ऑफ ओर, तो ये सिलिकेट इम्प्योरिटीज ऑफ ओर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, CaSiO3। CaSiO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्लैग बोलेंगे। स्लैग हमारा लाइट इन वेट होता है, तो ये लाइट इन वेट होता है यानी कि ये जो मटेरियल्स जो है वो मटेरियल की अपर सरफेस पे फ्लोट करेगा, उसे हम लोग एक जो अपर साइड वाला जो आउटलेट है उससे हम लोग रिमूव कर डालेंगे। ओके, अब ये जो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द अपर आउटलेट ऑफ दिस ब्लास्ट फर्नेस, अब हम लोगों को यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विद द कोक, ये फिर से कोक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, किसको रिड्यूस कर डालेगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर डालेगा। और आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा तो आयरन ऑक्साइड में से क्या मिलता जाएगा, आयरन मिलेगा। दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस एट द हायर टेम्परेचर, सो द आयरन इज ऑब्टेन इन द लिक्विड फॉर्म, तो ये जो आयरन मिला है वो लिक्विड फॉर्म में मिला है। और ऐसे आयरन को हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा बॉटम साइड पे आउटलेट जो है उससे हम लोग रिमूव कर डालेंगे। ये जो बॉटम साइड से जो हमारा आयरन मिला है, सॉरी, ये जो हमें बॉटम साइड से कलेक्ट द आयरन फ्रॉम बॉटम साइड, बराबर है ना, तो ये हमने आयरन को कलेक्ट कर डाला। ये जो हमें आयरन मिला है बॉटम साइड से उसके अंदर 4% कार्बन इम्प्योरिटीज होता है, अलॉन्ग विद दिस दूसरी इम्प्योरिटीज भी होती है। कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, सल्फर होता है, फॉस्फरस होता है, सिलिकॉन होता है, मैंगनीज होता है, तो ये सभी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पिग आयरन में से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले उसे हीट करेंगे, फिर उसके बाद उसे कूल करते जाएंगे, तो कार्बन इम्प्योरिटीज रिमूव होता जाएगा एंड कार्बन इम्प्योरिटीज 4% से रिमूव होके 3% हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन। अब ऐसे कास्ट आयरन को फिर से हम लोग रिवरबरेटरी फर्नेस के अंदर, उसको हम लोग रिवरबरेटरी फर्नेस के अंदर ऐड करेंगे और फिर से उसे जैसे ही हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन इम्प्योरिटी और भी डाउन होता जाएगा और हमें क्या मिलता जाएगा, रॉट आयरन, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैलिएबल आयरन। रॉट आयरन और इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैलिएबल आयरन, जिसके अंदर कार्बन इम्प्योरिटीज क्या होगा, 0.5%, क्या होगा, 0.5%। सो बाय यूजिंग दिस ब्लास्ट फर्नेस मेथड वी कैन इजीली रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होके हमें क्या मिलता जाएगा, तो आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, आयरन। फिर भी अगर हमें प्योर आयरन चाहिए तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से बिल्कुल प्योर आयरन यहाँ से हमें मिल सकता है।